मुस्लिम जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है, विवाह विच्छेद, वो मुस्लिम में दो तरीका से हो सकता है। ठीक, पहला तरीका हुआ एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा, पक्षकारों के कृत्य कार्य द्वारा। दूसरा हुआ डेथ ऑफ एनी पार्टी, किसी भी एक पार्टी का मृत्यु हो जाए तो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो सकता है। ठीक, जो एक्ट ऑफ पार्टीज है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल, बिना न्यायालय के द्वारा। दूसरा है जुडिशियल, न्यायालय के द्वारा। ठीक, जब जुडिशियल वे से डाइवोर्स लेते हैं तो वहां पर डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, ठीक है। और जब हम लोग बिना न्यायालय के द्वारा देखेंगे तो तीन चीज देखेंगे, एक हस्बैंड के द्वारा, पति के द्वारा, एक वाइफ के द्वारा यानी पत्नी के द्वारा, और तीसरा बाय म्यूचुअल कंसेंट। सेम हिंदू लॉ की तरह ही, एक हस्बैंड के द्वारा, एक वाइफ के द्वारा, एक म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा। ठीक, जो वाइफ के द्वारा होता है, वाइफ जो देती है उसको तलाक तफवीज कहते हैं। ठीक है, प्रतियोजित तलाक या फिर तलाक तफवीज, इस दोनों का वाइफ के द्वारा और हस्बैंड म्यूचुअल कंसेंट से आगे कोई सब सब कैटेगरी में नहीं बांटा गया। हस्बैंड के द्वारा जो तलाक दिया जाता है उसको आगे बांटा गया है। एक हस्बैंड के द्वारा जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है उसको एक तलाक कहा जा सकता है, एक इलाद कहा जा सकता है, एक जिहर कहा जा सकता है। ठीक है, तलाक को आगे दो बार भाग में बांटा, तलाके सुन्नत, तलाक उल सुन्नत। ठीक, जिसको दो सब कैटेगरी में बांटा गया, तलाके अहसन और तलाके हसन, और दूसरा कैटेगरी जो है तलाक कुल बित्तत, ये या तो रिटर्न होगा या ट्रिपल तलाक होगा। कैटेगरी एक बार समझ लीजिए, फिर से बता देते हैं शॉर्ट में। एक सेकंड बोला, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज दो प्रकार से हो रहा है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय डेथ ऑफ एनी पार्टीज। डेथ हो गया तो काम खत्म, वो आगे तो बढ़ेगा नहीं। एक्ट ऑफ पार्टीज जो रहेगा वो दो तरीका से हो सकता है, या तो एक्स्ट्रा जुडिशियल या ज्यूडिशियल। जुडिशियल में जाएंगे तो डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर जाएंगे। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में जाएंगे तो तीन तरीका से उसको बांट सकते हैं, हस्बैंड वाइफ बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, जो हस्बैंड के द्वारा दिया जाता है उसको तीन पार्ट में, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हस्बैंड के द्वारा तीन तरीका से हो सकता है, तलाक इल्ला जिहर। तलाक को दो पार्ट में बांटा गया, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल सुन्नत को दो पार्ट में आगे बांटा गया, तलाक अहसन, तलाक हसन, और तलाक उल बिद्दत को दो पार्ट में बांटा गया, रिटेन और ट्रिपल। तलाक जो है एक अरबिक वर्ड है, ठीक है। इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है रिलीज करना, निर्मुक्त करना, या फिर परित्याग करना, या नामंजूर करना। तीन मतलब इसका निकाला जा सकता है, निर्मुक्त करना, परित्याग करना, या नामंजूर करना। ये एक वे है जिससे हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ
डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज करता है, मैरिज का समापन करता है, ठीक, मैरिज खत्म करता है। तलाक जो है वो एब्सोल्यूट पावर ऑफ मुस्लिम मेल है। तलाक देने का अधिकार मुस्लिम विधि में सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम मेल को ही है, ठीक। इसका ये जो पावर है वो एब्सोल्यूट पावर है। वाइफ को कोई कारण नहीं बताना पड़ेगा कि आखिर उसको क्यों तलाक दिया जा रहा है। हस्बैंड अपनी मर्जी के साथ जब चाहे एक मुस्लिम वाइफ को, अपनी वाइफ को, एक मुस्लिम मेल अपने मर्जी के साथ जब चाहे तब तलाक दे सकते हैं। तलाक की मंजूरी कहाँ दी गई? ठीक, तो पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये खुदा होता, खुदा गलती लिख दिया, खुदा ने जितनी भी वस्तुओं की स्वीकृति दी है, उनको क्या हो रहा था, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब को एंजल गैब्रियल जो था वो बताता था आके, तो उसमें से एक बात ये भी बताया गया तलाक के बारे में। क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने क्या कहा प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने, एक खुदा ने जितनी भी वस्तुओं की स्वीकृति दी है उसमें सबसे घृणित वस्तु तलाक है। ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब का वर्ड्स है जो कुरान में लिखा हुआ है। जितना भी वस्तु का मंजूरी दी है उसमें सबसे घृणित कार्य जो है वो तलाक है, सबसे घृणित वस्तु तलाक है, ठीक है। इसमें कहा जाता है मुस्लिम विधि में कि अगर कोई व्यक्ति तलाक का प्रनाउंसमेंट करता है, कोई किसी को तलाक देता है, तो उसको दैवीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। मतलब उसको इस जो उनके दैवी हैं उनके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बाली एक पॉलिटिकल थिंकर है। बाली कहते हैं कि पहले भी यह निष्पादित था। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाली तलाक के बारे में कहते हैं पहले भी यह निष्पादित था, मतलब पहले भी इसका मंजूरी नहीं था और अब भी इसे निंदित कार्य समझा जाता है। पहले भी इसका मंजूरी नहीं था और अभी भी हम सपोर्टर नहीं हैं इस चीज के, परंतु तुलना में अधिक बुराई से बचने के लिए इसकी अनुमति दी गई है। किसके तुलना में अधिक बुराई करते हैं कहा जा रहा है उसके बारे में, कोलाहल पूर्वक, मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है, कोलाहल पूर्वक परिवारों में सुखी शांति संभव नहीं है, अतः इससे कलहल के कारण पति और पत्नी के प्रति अविश्वास या प्रेम भाव ना हो तो इससे अच्छा यही है कि वैवाहिक संबंधों का अंत कर दिया जाए। ये बाली साहब का वर्ड्स है। इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि ना पहले तलाक का मंजूरी दिया गया था ना अब तलाक का हम मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन अगर हमको दो बुरा चीज के बीच में चुनना है, एक बुरा चीज क्या है कि रोज रोज परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उससे बेटर है कि मैरिज को डिसॉल्व करके खत्म कर दिया जाए। लेकिन हम स्वीकृति इसका पूरा सपोर्टर नहीं है, ये खराब है। बस ये अराइज कहाँ होगा, जब दो खराब चीजों के बीच में एक खराब को हमको चुनना है तब आप तलाक दीजिए, ठीक है। ये हो गया। क्या क्या इसेंशियल्स होंगे वैलिड तलाक के? पहला इसेंशियल है कि पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना, दोनों पक्षकार
साउंड माइंड के होने चाहिए। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों एज ऑफ मैच्योरिटी के होने चाहिए, ठीक है। जब तलाक प्रनाउंस किया जा रहा है तो ये जरूरी है कि दोनों पक्षकार जो हैं वो एज ऑफ प्यूबर्टी तक पहुंचे हुए हो। कंसेंट जो है दोनों पार्टीज का, दोनों पार्टी का मतलब हस्बैंड ही देगा, वाइफ को तो कोई राइट ही नहीं है, तो हस्बैंड का कंसेंट जो है वो फ्री होना चाहिए। लेकिन हनफी स्कूल में कहता है कि वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन कर लिया, अपने मर्जी से इंटॉक्सिकेशन किया है, सड़ा बुड़ा अपने मर्जी से पी लिया है, या फिर पी रहा है, कोई और ही पिला दिया, लेकिन उसको जानकारी ही कैंसर आती है, ठीक है। वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन और इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन पर आईपीसी में चर्चा की था, कब वॉलेंट्री माना जाएगा कब नहीं माना जाएगा, वो भी चीज यहाँ लागू हो सकता है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में, कंपल्सन की अवस्था में, कोअर्शन की अवस्था में या फ्रॉड की अवस्था में, हनफी स्कूल के मेल अगर तलाक प्रनाउंस कर देते हैं तो वो एक वैलिड तलाक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनको फोर्स के द्वारा या इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन के द्वारा तलाक दे देते हैं तो उस कंडीशन में हनफी स्कूल में भी वो वॉइड है, ठीक है। किसमें किसमें वैलिड है? वॉलेंट्री टॉक्सिकेशन, कंपल्सन, कुअर्सन, फ्रॉड, इस अवस्था में दे रहे हैं तो वो वैलिड है, फोर्स्ड या इनवॉलेंट्री टॉक्सिकेशन की अवस्था में दे रहे हैं हनफी लॉ में तो वो वॉइड। ये बहुत मनमाना ढंग से तलाक का उपयोग किया जा रहा था। जब मन किया तब सुप्रीम कोर्ट ने समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2002 में दो चीज बताया कि आप कब तलाक नहीं दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि कुरान में ही लिखा हुआ है कि आपको बिना कारण के तलाक किसी को नहीं देना है, एक रीजनेबल कारण हो तभी आप तलाक दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुरान के बातों को ले आया समीम आरा केस में कि एक रीजनेबल कारण तो दो उसको, और दूसरा चीज बताया अपने से कि एक अटेम्प्ट, कुछ अटेम्प्ट किया जाना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में रिकॉन्सिलिएशन करने का, दोनों में समझौता हो जाए, इस चीज का आपको प्रयास करना है। ये समीम आरा वाला केस जो है वो सभी पे लागू होगा, ठीक है। तीसरा जो इसेंशियल कंडीशन था तलाक का वो है सुन्नी लॉ में तलाक जो है वो दोनों दो तरीका से हो सकता है, या तो वो ओरल हो सकता है या तो वो रिटेन हो सकता है। रिटेन जब करेगा तो एक तलाक नामा होता है उस पे लिखेगा कि हम तलाक देते हैं, ठीक है। सुन्नी लॉ में कोई विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता। शिया लॉ में सिर्फ और सिर्फ ओरल तलाक ही दिया जा सकता है अगर वो आदमी गूंगा है, तब वैसे कंडीशन में वो रिटेन फॉर्म में तलाक दिया जा देगा। अदरवाइज अगर वो बोलने के कंडीशन में है तो उसको बोल के ही तलाक देना है, लिख के नहीं दे सकता है सिया में, ठीक है। दूसरा चीज है कि सुन्नी में विटनेस नहीं चाहिए था, सिया में जब बोल के तलाक दे रहा है तो कंपिटेंट विटनेस होना चाहिए, दो ठो, या तो दो मेल के सामने उसने तलाक दिया हो बोलकर, या फिर एक मेल और दो फीमेल के सामने तलाक दिया हो बोलकर,
अगर इस दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन का पालन नहीं दे रहा, लिख बोल सकता है लेकिन फिर भी लिख के दे दिया, या फिर कंपिटेंट विटनेस नहीं आया, तो दोनों में ही सिया लॉ में वैसा तलाक वॉइड मान लिया जाएगा, तलाक नहीं माना जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा वैसा तलाक। चौथा जो बात करता है इसेंशियल का, वो कहता है पत्नी मौजूद हो, पत्नी के सामने ही तलाक दिया जाए, सामने दोनों लॉ, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसा है उसमें वो अलाउ करता है कि पत्नी नहीं भी है तो भी तलाक वो दे सकता है सामने। बोल रहा है पत्नी की अनुपस्थिति में दिया गया तलाक यद्यपि निरप्रभावी तथा शून्य नहीं होगा, मतलब वॉइड तो नहीं होगा, अगर पत्नी नहीं है तो वॉइड नहीं मानेंगे हम, लेकिन तलाक पत्नी के अनुपस्थिति में दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कह रहा है कि वॉइड नहीं होगा, नहीं है पत्नी तो वॉइड नहीं होगा, लेकिन तलाक जो है वो पत्नी उपस्थित हो तभी आप दीजिए। यदि पत्नी अनुपस्थिति में तलाक दिया गया हो तो पत्नी का नाम लेकर तलाक दिया जाना आवश्यक है। अगर पत्नी सामने है तो उसको कहता है जाओ तुम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, लेकिन पत्नी सामने नहीं है तो कहेगा जाओ फलना फलना आदमी फलना खातून मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। तलाक दो तरीका का हो सकता है, एब्सोल्यूट या कंडीशनल या कंटिजेंट। सिया में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट तलाक होता है, सुन्नी में कंडीशनल या कंटिजेंसी तलाक भी होता है। जब एब्सोल्यूट फॉर्म में तलाक दे रहा है तो जैसे ही तलाक दिया वो तुरंत इफेक्ट में आ जाता है, और सुन्नी में कंडीशनल तलाक भी माना जाता है। एक सर्टेन कंडीशन का फुलफिलमेंट अगर हो गया तब वो तलाक इफेक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज वो तलाक इफेक्टिव नहीं होगा। ये चीज सुन्नी में भी, सुन्नी में ही लागू होता है, सिया में सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ तलाक होता है, ठीक है। किस मोड से तलाक दिया जा सकता है, हम बताएं तलाक देने का दो मोड है। अगर तलाक उल सुन्नत दे रहे हैं तो हम उसमें तलाक अहसन या तलाक हसन देंगे, और तलाक उल बिद्दत दे रहे हैं तो उसमें इस दोनों फॉर्म में से देंगे। तो हम तलाक उल सुन्नत का तलाक अहसन फॉर्म का चर्चा करने जा रहे हैं। तलाक उल सुन्नत को बोला जाता है एक तरह से, ये जो है ना तलाक, इसको रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम, ठीक है। रिवोकेबल तलाक उल सुन्नत, ठीक। क्या होता है कि ये जो फॉर्म है तलाक उल सुन्नत, वो हस्बैंड तलाक कंप्लीट हो जाए उससे पहले किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, तलाक खत्म कर सकता है। ये तलाक उल सुन्नत जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन पे ही बेस्ड है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में ये ट्रेडिशन बताया होगा या फिर खुद फॉलो किया होगा, इसीलिए इसको सुन्ना माना गया, तलाक उल सुन्नत को सुन्ना माना गया, ठीक है। ये फॉर्म जितने भी मुस्लिम स्कूल्स हैं सब में रिकॉग्नाइज होते हैं। तलाक उल सुन्नत जो है वो दो तरीका से दिया जा सकता है, एक है तलाक ए अहसन और दूसरा है तलाक ए हसन। तलाक ए अहसन के बारे में सुनिए, तलाक ए अहसन को सबसे अच्छा
बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, ठीक है, मोस्ट अप्रूव्ड वे है ये, बेस्ट फॉर्म है ये तलाक देने का मुस्लिम लॉ में, जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ यूज कर रहा है, ठीक है। इसमें जो इविल वर्ड है तलाक, उसका सिर्फ एक बार प्रनाउंसमेंट किया जाता है, एक बार बोला जाता है, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है। जब तलाक देता हूं एक बार प्रनाउंस किया है, तो फिर वाइफ को इद्दत रखने का जरूरत है। इद्दत रखने जितना पीरियड है इद्दत का, उस पीरियड के दौरान हस्बैंड के पास ही अपॉर्चुनिटी होता है, हस्बैंड चाहे तो उस इद्दत पीरियड के दौरान तलाक को रिवोक कर लेगा, कर सकता है, ठीक, चाहे तो कर सकता है। अब इस फॉर्म में तलाक देने का एक खास तरीका है, इसी तरीका से तलाक दिया जाए तो हम कहेंगे कि तलाकुल सुन्नत मिला है उसको, तलाकुल सुन्नत में तलाक के आसान फॉर्म में तलाक। जब विमेन जो है वो मेंसुरल कोर्स में ना हो, ठीक है, मेंसुरल कोर्स को उर्दू में तूहड़ बोलते हैं, THUR, तो उस टाइम में ना हो, तब इसमें तलाक दिया जा सकता है, ठीक है, मेंसुरल कोर्स में ना हो तभी इस फॉर्म का तलाक दिया जा सकता है। जब विमेन मेंसुरल कोर्स में ना हो, तो उस कोर्स में इद्दत कितना टाइम के लिए रखना होता है, 3 महीना के लिए, ठीक है, और जब मेंसुरल कोर्स में हो और उस टाइम में तलाक दिया जाए, तब कितना टाइम के लिए रखना होता है, 3 लूनर मंथ के लिए। लूनर मंथ हम बताए थे क्या होता है, तो यहाँ पर 3 मंथ का इद्दत रखना पड़ेगा, क्योंकि कब हम लोग तलाक दे रहे हैं, जब विमेन फ्री है मेंसुरल कोर्स, ठीक है, तो इद्दत का पीरियड क्या हो जाएगा, 3 महीना, 3 लूनर मंथ नहीं, 3 महीना का इद्दत, ठीक है। 3 कंडीशन ऐसा है जहां उसको ये नहीं देखना है कि वो मेंसुरल कोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि विमेन जो है वो हस्बैंड के साथ ही नहीं रह रही हो, तो जब साथ ही नहीं रह रही है तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो मेंसुरल कोर्स की सब्जेक्ट है कि नहीं है, भाग गई है किसी के साथ तो क्या कहेगा, जिसके साथ भाग गई है, तलाक चीज जो है वहां मैरिज जो है वो कंज्यूमेट नहीं किया गया हो। और तीसरा, विमेन जो है वो ऐसे एज में पहुंच गई हो जब उसको मेंसुरल साइकिल नहीं आता हो, इन तीनों कंडीशन में उसको तूहड़ के पीरियड का खत्म होने का इंतजार नहीं करना, ठीक है। अब तूहड़ का पीरियड नहीं था उस टाइम, उसने उसको तलाक दिया, तो इसको कहेंगे हम लोग तलाक के आसन दिया। इस कंडीशन में वो शादी को रिवोक कैसे कर सकता है, या तो वो रिज्यूम कर ले कोहिबिशन उसके साथ, इस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत कोहिबिशन कर ले, तब ये इसको रिवोक मान लिया जाए कि ये तलाक जो दिया था वो उसने रिवोक कर लिया। अगर एक बार तलाक दे भी दिया और फिर उसी औरत से वो शादी करना चाहता है, तो उसको हलाला के प्रोसेस के थ्रू, उस विमेन को हलाला के प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना होगा। ये था तलाक के अहसन, ठीक है, अहसन देख लो हमारे एक मिनट में। ये जो है आपका तलाक के हसन, इसको सबसे अच्छा नहीं माना गया लेकिन ठीक ठाक प्रॉपर वे माना गया है तलाक देने। इसमें क्या होता है कि 3 बार उसको तलाक का प्रनाउंसमेंट करना पड़ता है, 3 कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ तुहर में। जब फीमेल जो है वो तुहर पीरियड में है, तो पहला मंथ में बोलेगा तलाक, हम तुमको तलाक देते हैं। जब अगला बार तुहर का पीरियड आएगा अगला मंथ में, तब फिर बोलेगा तलाक, फिर अगला बार आएगा तो बोलेगा तलाक, 3 बार बोलेगा, ठीक है, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ तुहर नहीं उसको बोलना है। ये
फर्स्ट और सेकंड, अच्छा जब 3 बार तू हर के पेड़ में बोल रहा है तो उसको कितना टाइम का इद्दत का पालन करना है? 3 लूनर मंथ का उसको इद्दत रखना है फीमेल को, ठीक है? तो ऐसे केस में इद्दत कितना दिन का रखा जाएगा? 3 लूनर मंथ का रखा जाएगा, क्योंकि उसको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तूहर प्रनाउंसमेंट कहा जा रहा है। और एक ही बार नहीं बोल देगा, एक तूहर में एक बार बोलेगा जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अगला तूहर में अगला बार बोलेगा, और तीसरा तूहर में बोल के खत्म हो जाएगा। जब पहला और दूसरा बार बोला है तो जब तक वो पीरियड चल रहा है तब तक वो रिवोक कर सकता है, मतलब तीसरा बार बोलने से पहले तक उसको ये पावर है कि वो रिवोक कर सकता है। रिवोक करने के लिए वो या तो बोल दे कि जाओ हम अपना तलाक तुमसे वापस लेते हैं, नहीं देंगे तुमको तलाक, नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा पीछा, या फिर दूसरा है कि रिज्यूम कर ले कोहिबिशन। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाएगा कि वो तलाक वापस हो गया। अहसन में सिर्फ एक था, सिर्फ रिज्यूम करना पड़ता था कोहिबिशन। यहाँ पर बोल भी देगा तो काम चल जाएगा, रिज्यूम भी कर देगा तो काम चल जाएगा, ठीक है? इसमें जब उसी विमेन से फिर से शादी करना चाह रहा है तो उसको हलाला के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो नहीं होना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ हलाला फीमेल को फॉलो करने का कोई जरूरत नहीं है। इसको उतना अच्छा फॉर्म ऑफ तलाक नहीं माना जाता है, क्योंकि जो इविल वर्ड है तलाक, उसका 3 बार प्रनाउंसमेंट करना पड़ रहा है उसको, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ तलाक नहीं माना जाता। तलाके बिद्दत, इसको तलाके बैन भी बोलते हैं, BAIN बैन, ठीक है? ये अच्छा फॉर्म ऑफ तलाक नहीं माना जाता। इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो है इसको अच्छा फॉर्म ऑफ तलाक नहीं माना जाता, गुड फॉर्म ऑफ तलाक नहीं माना जाता, वो है एक कारण कि जैसे ही इसमें तलाक वर्ड बोला, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है, 3 बार बोलना पड़ेगा इसमें, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, जाओ मुझे मैं तुम्हें तलाक देता हूं, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं, या फिर कहेगा जाओ मैं तुम्हें 1 2 3 3 बार तलाक देता हूं, मतलब किसी, जाओ मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूं, 3 बार बोलना पड़ेगा किसी भी तरीका। जैसे ही 3 बार बोलेगा वैसे ही ये तलाक जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा, और इसमें कोई रिकॉन्सिलिएशन करने का किसी भी टाइम का, किसी भी तरह का नहीं मिला उसको टाइम, ठीक है? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जीवन काल में इस टाइप का कोई तलाक नहीं था। 3 बार बोल रहा है, जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ, या जाओ मैं तुम्हें तलाक 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 देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ, तो हो गया इफेक्टिव, इसीलिए इसको ट्रिपल तलाक भी बोला जाता है, ठीक है? तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जीवन काल में इसको कोई मान्यता नहीं मिली थी, इस टाइप का कोई नहीं होता था। जब 2nd century चल रहा था इस्लामिक मीरा का, 1st century 600 से 700, 2nd century 700 से 800 पीरियड, तो 700 से 800 पीरियड के जब दौरान चल रहा था तो वहां पे ओडमान किंग था एक, उसने किंग है तो बहुत सारी पत्नियां रखना चाहेगा। अब मुस्लिम में सुन्नत था कि एक बार में 4 से ज्यादा पत्नियां आप रख नहीं सकते हैं, तो ये नया फॉर्म ऑफ तलाक इजाद किया ये किंग जो था, ठीक है? और इसीलिए ये किंग जो था वो बिलोंग करता था सुन्नी स्कूल से, तो इस टाइप का तलाक सिर्फ और सिर्फ सुन्नी स्कूल ही रिकॉग्नाइज करता है। उम्याद किंग, ठीक है, एक सेकंड ना, इस फॉर्म में तलाक कैसे दिया जाएगा? पहला, ठीक है, 3 बार बोल दिया जाएगा, पीरियड ऑफ तुहर में है तो उसको तलाक कैसे दे सकता है? कहेगा आई डाइवोर्स 3 ट्राइज, ठीक है, हम तुमको 3 बार तलाक 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 देते हैं, या फिर कहेगा हम तुमको
तलाक देते हैं, हम तुमको तलाक देते हैं, हम तुमको तलाक देते हैं, ठीक है, ऐसे दे देगा। दूसरा तरीका ये है कि कहेगा जाओ हम तुमको तलाके बहन देते हैं, ठीक है, इसमें 3 बार बोलने का जहमत भी नहीं उठाएगा, सीधा सीधे बोलेगा जाओ हम तुमको तलाके बहन देते हैं। कैसे देगा, समझ में आ गया? ये फॉर्म ऑफ तलाक जो है वो अच्छा एकदम नहीं माना गया। इंडियन कोर्ट्स जो हैं इस फॉर्म ऑफ तलाक को शुरू से ही नामंजूर करते आए हैं। रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 में अलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ऐसा एक मामला आया। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुरान के वर्सेस को इंटरप्रेट किया और कहा कि इस तरह का तलाक जो है वो ना ही कुरान में मान्य है और ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस टाइप का तलाक को हम देने से मना करते हैं, हम नहीं देंगे। इसी केस में रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ को टच नहीं करना चाहते हैं, लेजिस्लेशन चाहे तो इस पे लॉ बना ले, लेकिन हम, सुप्रीम कोर्ट का था कि हम इस चीज को टच नहीं करना चाहते हैं क्योंकि लॉ मेकिंग पावर नहीं है कोर्ट का, तो अगर वो जजमेंट दे देगा तो एक तरह का लॉ हो जाएगा। तो उन्होंने उस टाइम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे तलाक कोई भी अपना जजमेंट नहीं प्रोनाउंस किया। तो इस जजमेंट, ये जजमेंट था जो है रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, वो कोई इफेक्टिव नहीं आया। फिर 2017 में केस हुआ सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, सेम मैटर पे। क्या इस टाइप का फॉर्म ऑफ तलाक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको डिसाइड करने का बारी आया। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठे, 5 जजेस का बेंच बैठे, जस्टिस जीएस खेर जो कि उस टाइम सीजेआई थे 17 में, के जोसफ, नरीमन, यूयू ललित, ठीक, और अब्दुल नाजिर, ये सीजीआई बाद में बने हैं। जस्टिस यूयू ललित 49th नंबर के सीजीआई बने हैं, जब ये केस का जजमेंट देना था तब ये सीजीआई नहीं थे, ठीक है। इसमें 3:2 का जजमेंट आया और उसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तलाके बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। जो 2 डिसेंटिंग जज थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था वो आपके अब्दुल नजीर जस्टिस थे और आपका जस्टिस जे एस खहीर थे, ठीक है, खेहर जो थे, ये दोनों डिसेंटिंग जज थे। और 3 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जोसेफ, यूयू ललित और नरीमन, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, ठीक है। उसके बाद ये जो है 3 तलाक, ट्रिपल तलाक, यानी तलाक के बिद्दत या तलाक के बैन इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। गवर्नमेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2013, इसको ट्रिपल तलाक एक्ट भी बोला जाता है। इसमें सेक्शन 3 में ट्रिपल तलाक को पनिशेबल बताया गया, सेक्शन 4 में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया, कहा गया 3 साल का पनिशमेंट दिया जाएगा अगर कोई तलाक के बिद्दत से इंडिया में तलाक देता है तो। ईला जो है वो एक तरह का फॉर्म ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है जो कि एक्साइज किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, ठीक है। इसमें हस्बैंड क्या करता है, कहता है भगवान का, जो उनके गॉड है, उनका कसम खाता है और ओथ लेता है अपने आप में, किसी के सामने नहीं, अपने आप में,
कि वो अब उस वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा, जो वो 4 महीना तक ऐसा कसम उसम खाने के बाद 4 महीना तक नहीं करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी लॉ में, शिया लॉ में भगवान का कसम खा रहा है 4 महीना तक कोई भी सन नहीं कर रहा है तो अपने आप नहीं हो जाएगा, उसके बावजूद भी उसको कोर्ट का डिक्री लेना पड़ेगा सिया में। और ये इला फॉर्म जो है तलाक का, वो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इस तरीका से। इंडिया में तो आप नहीं दे सकते हैं, दूसरे देशों में दे सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों में भी अगर सिया लॉ से दे रहे हैं तो वहां पर कोर्ट का डिक्री लेना पड़ेगा। सुन्नी में सिर्फ है कि 4 महीना तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा, भगवान का कसम खाने के बाद, ओथ करने के बाद, शपथ लेने के बाद, तब मान लिया जाएगा कि वो इला, बाय द वे ऑफ इला उसने डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज कर दिया। बस इतना ही था इसमें, समझ में आया? रिहर जो फॉर्म है तलाक का, उसमें हस्बैंड जो है अपनी वाइफ का कंपेयर कर देता है। किससे कंपेयर कर देता है? वैसे रिलेशंस से के साथ जिसमें वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। अपनी वाइफ का कंपेयर कर देता है कि तुम में हमको अपनी माँ जैसी दिखती हो, तुम हमको अपनी बहन जैसी दिखती हो, और उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना कर देता है। अब उसको अपनी वाइफ अपनी बहन की तरह दिख रही है, अपनी माँ की तरह दिख रही है, तो फिर शादी बचा के क्या करना है? तो फिर उस वे में क्या होता है कि मैरिज डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी वाइफ को कंपेयर कर देता है जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आती है मुस्लिम लॉ। ठीक है, तो वैसे वैसे केस में मैं, और सिर्फ कंपेयर कर देने से नहीं होगा, कंपेयर करने के बाद वो कोहिबिशन करने से मना कर देता है। ठीक है, अगर सिर्फ कंपेयर करके छोड़ देता है तो आगे वे है जिसमें हम बताएंगे कि वाइफ जो है उसको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ पनिशमेंट देके माफ कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर करने के बाद कोहिबिशन से भी मना कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका डाइवोर्स हो जाता है और उसको बोलते हैं बाय वे ऑफ जिहर। ठीक है, मेल से रिलेटेड जो था वो इतना ही है, किस किस तरीका से डाइवोर्स दिया जा सकता है। ठीक, कल